पढ़ाई करना उत्सव, पढ़ाई करनी ना थोड़ी देर, कभी पढ़ाई नहीं करनी। क्या करना है फिर आपको? मुझे कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी। झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजने हैं, हाँ गुब्बारे बेचने हैं। डाकू होती है डाकू हसीना। लास्ट ईयर की तरह शायद इस बार भी हमारी दिवाली नहीं है, तो सब हेल्प कर दे, कुछ काम वाम कर दे, समेटा समेटी कर दे। अकेली लगी हुई हूँ सुबह से मैं। हाँ मम्मी सुन लो, मेरे को रोज एक कप दूध देना बहुत भर भर के, ठीक है ना, वरना ये दांत ना हो गया जिंदगी भर में। तूने किसकी ड्राइंग बनाई है? मैंने अपनी बनाई है। कौन है? Who is he? ओ मम्मी ये मैं हूँ। ओहो आप उत्सव सिंह रावत हैं, क्या पहना हुआ उत्सव ने? कपड़े पहने और पैंट भी पहनी है और जूते भी पहनी है और अपने हाथ में गुब्बारा भी पकड़े। गुब्बारा 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 होता, गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारा गुब्बारा। कहाँ से लाए आप? हाँ मम्मी हाँ, ये खेलने जा रहा है। कहाँ खेलने जा रहा है? चलो तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ थोड़ी देर मेरे पास। हाँ क्या आप चश्मा नहीं पहनते? वो उत्सव की फोटो, उत्सव चश्मा पहनता ही नहीं है। क्या वो मेरी फोटो? हाँ मैंने गोला, हाँ मैंने गोला, हाँ वो भी तेरी तरह फाइव इयर्स की हो। हाँ मम्मी क्या अपने नानी के घर का सिक्स इयर्स का हूँ मैं? नहीं दिसंबर में सिक्स इयर्स के। चोमू क्या होता है? व्हाट इज चोमू? पता नहीं चोमू क्या होता है। आओ बच्चों के साथ पता नहीं क्या सीख के आता है, कैसा रहता है चोमू? ये तो पता नहीं क्या मेरे फेस में कुछ भी दिखता है उसको खरोचना शुरू कर जाता है। क्या है मेरे फेस में? आपके फेस में आंखों में क्या है बताओ, दिखाओ आपकी आंखों में। अरे थोड़ी देर चैन से सोने नहीं देती, मैं बताऊं आपकी आंखों में। छोड़ दे ये बांसुरी, क्या है ये बांसुरी? दादी लाई थी और दादी कह रही थी ऑर्डिनरी नहीं है, कृष्णा मंदिर से लाई थी वो। ओहो तेरी दादी की कोई भी चीज लाई ऑर्डिनरी होती कहाँ है बेटा, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। क्या बोलते इसको? बांसुरी, 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 हाँ बांसुरी। और क्या बोलते इसको? मुरली, मुरली। और क्या बोलते हैं? बंसी, बंसी। और अभी बस मैं ना ऊपर छत में गई थी और मैंने बस एग बॉईल करने के लिए रखे ही थे। क्या कह रहा है? क्या तो मैंने ऊपर छत में मैं गई और मैंने ना एग बॉईल करने के लिए रखे ही थे जस्ट उसी एक मिनट, तो एग बॉईल करने के लिए मैंने रखा ही था जस्ट, तो आधी वो बॉईल हो पाए और हमारी गैस खत्म हो गई। मतलब खाना वाने का तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, साफ हो चुके ऑलरेडी। सो अब रात को भी यशवंत भी आज लेट आएंगे, कह रहे थे सिलेंडर भी नहीं भर सकता। तो 15 दिन चल गया था, मतलब हमने कितनी भरवाई थी, हमने 15 दिन पहले भरवाई थी 4 किलो गैस, तो 4 किलो गैस हमारी 15 दिन चल गई थी। सो अभी दोबारा भरवाना पड़ेगा, बट अभी रात को आएंगे तो रात को कुछ हो नहीं सकता। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं मॉर्निंग में तुझे टिफिन वगैरह सब कैसे दूंगी। मुझे पता है क्या दूंगी, एक काम करो अब मुझे सुबह में खाओ कुछ बाहर से वेज दे देना। बाहर से वेज सुबह 6:30 बजे कहाँ वेज मिल रहा है रात से? रात के लिए अब वेज भी मंगवा देना, नॉन वेज भी मंगवा देना, ठीक है? जो वेज होगा मुझे सुबह गर्म करके दे देना। ये तो हमारे पेड़ों का हाल है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और पराठा रोटी, पराठा रोटी बाहर से मंगवा लेना। रात की पराठा रोटी तो सुबह स्कूल ले जाएगा और दोपहर में खाएगा वहाँ। इससे अच्छा मैं सैंडविच ना बना के दे दूँ नॉर्मल। तो अब मेरे को सुबह का देखना पड़ेगा, अभी तो चलो कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए मैनेज कर दूंगी। उत्सव के लिए तो दोपहर की पुलाव बचे हैं, तो उत्सव तो दोपहर के पुलाव खा लेगा और बाहर का उत्सव खाता नहीं है अभी, उसका टेस्ट ऐसा जैसा कभी डेवलप नहीं हुआ। तो मैं अभी यशवंत को ये बोल रही थी कि पिज्जा मंगा लो, ऐसा करो हम तीनों के लिए, और उत्सव के लिए तो वो है ही पुलाव। पिज्जा खानी जाएगी किस खुशी में? आज भाई साहब का दांत भी टूट गया। ये देखो गाइस, गाइस बताओ मेरी स्टोरी, जब मेरा दांत टूटा था मेरे को ना ये दांत कहाँ टूटा है, कौन सा वाला टूटा? ये वाला टूटा है। और कितने टाइम के बाद टूटा ना? नहीं ये कितने बार टाइम नहीं, ये ना मेरे को ना कल से फील हो रहा था कि ये हिल रहा है, और जब कल से फील हो रहा था आज ही आज में इतना टूट गया। हाँ कल से मुझे फील हो रहा था कि ये टूट रहा है, ठीक है? जब मैं ट्यूशन गया तो भाई मतलब ऐसा लग रहा था कि संग्राम होने वाला घर जाके टूट का, ठीक है? सरप्राइजिंगली तो रोया वोया कुछ नहीं, तो जनरली तेरे जब भी दांत टूटता है तो बड़ी नौटंकी करता।
आधा दांत मेरा ट्यूशन में टूट गया। मेरे को याद है जब इसका पहला दांत टूटा था ना, तो भाई साहब इसने इतना आतंक मचा दिया था ना घर में कि हम परेशान हो गए थे कि मतलब तू ये दांत टूटने के लिए यार इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। अरे पूरे मोहल्ले के लोग आ गए थे बाहर घर के कि क्या हो गया। एनीवेज अभी तुम लोगों ने पढ़ लो। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इसकी स्टोरी आपको पता है। कल से चल रहा था, जब मैं ट्यूशन आया आधा टूट गया, जब मैं आया मैंने मम्मी को बताया और ठक, तो मैंने उसको बोला तू हिलाता रहा, लेकिन फिर वो फाइनली टूट गया। खैर एनीवेज अभी हो रहे हैं 7:30, तो यशवंत को तो आते आते 9 बज जाएंगे, तो मैंने बोला कि पिज्जा फिर तभी ऑर्डर करेंगे, गरम गरम तब आ जाएगा तब खा लेंगे। और फिलहाल हम कर लेते हैं थोड़ी देर पढ़ाई चीनू, पढ़ाई करना उत्सव, पढ़ाई करनी है ना थोड़ी देर। मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी है, तो कभी पढ़ाई नहीं करनी। क्या करना है फिर आपको? मुझे कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी। झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजने हैं, हाँ गुब्बारे बेचने हैं, चल फटाफट थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। मैं थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा। गाइस आज मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना यार, आज मुझे बिल नहीं पढ़ना। आपको कब पढ़ना होता है, कौन से दिन पढ़ना होता है? मंडे पढ़ना होता है? नहीं। ट्यूसडे पढ़ना होता है? नहीं। वेडनेसडे पढ़ना होता है? नहीं। कोई भी डे होता है जिसमें आपको पढ़ना होता है बताओ, कौन सा डे है वो जो पढ़ना होता है? मंडे। कभी नहीं पढ़ना होता तुम्हें? और हाँ अभी सुन लो, मेरे को रोज एक कप दूध देना, बहुत भर भर के, ठीक है ना, वरना ये दांत ना होगेगा। जिंदगी भर में बड़ा होके भी ऐसा ही। चलो फटाफट मैं पहले इसको उत्सव को पढ़ा लेती हूँ, उसका स्कूल का होमवर्क भी है। सुबह उठ के पूरा कप फुल रही मुझे। चलो चलो जाओ भाई, दूध वूध पहले पीना नहीं है, अब दांत टूट गया तो अब दूध पीना है। और कुछ रह गया जी? और एक स्लाइस रह गया, जल्दी खा लो फिर निकलना है। तुम ही जाओगे ना स्कूटर में? उसे मत डालना सारे, मैं तो डालूंगा। पिज्जा खा नहीं रहा, सारी चीज डाला जा रहा है उसमें। हाँ, अभी कर दूंगा। आज का ना वेस्ट मत कर, उसके काम आएगा। आज खाओ अपना उसी। नहीं खाने का शौक, बस पिज्जा में और ही घने बर्बाद करने पे लगा हुआ। उसी मत कर यार, चीनू के ब्रेड के लिए काम आता है। मेरा मेरे को नहीं खाना है उसमें, और जबरदस्ती डाले जा रहा है उसी। अरे जब अपने खाने में डाल लो, सब आ रही है ना। सो गाइज यहाँ पे मेरा किचन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस अब इसकी ना प्रॉपर डीप क्लीनिंग दे रहे हैं कंपनी वाले, ये डीप क्लीनिंग दे रहे हैं इस किचन की भी और साथ के साथ घर की भी। सो बस अब मैं यहाँ पे किचन हो जाएगा ना तो आज शिफ्ट कर जाऊंगी, तो ये घर भी मैंने अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने सारी चीजें कवर कर दिया है क्योंकि अब यहाँ पे वो थोड़ी देर में डीप क्लीनिंग के लिए लोग आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा डस्ट और वो सब फैलने वाली है, तो इसीलिए जो जो चीजें मैं ढक सकती थी वो मैंने ढक दिया। यहाँ पे उनका सामान भी आ चुका है, तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला था कंपनी की तरफ से जिनसे हम लोगों ने किचन बनवाया होमलैंड से, तो उन्होंने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग, पेंटिंग वर्क और घर की भी पूरी डीप क्लीनिंग दी थी। तो मुझे दिवाली के टाइम पे ये थोड़ा सा मतलब फैसिलिटी मिल गई थी कि चलो यार अब ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ खड़े होके इनको मॉनिटर करना, क्योंकि 4-5 लोग थे, उनको देखना, समझाना कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है, वो भी एक हैक्टिक ही था क्योंकि यशवंत तो ऑफिस गए थे तो मैं घर पे अकेली थी, तो वो सारा कुछ भी मुझे मैनेज करना था। काफ़ी हैक्टिक रहा ये दिन। आधा पानी तो पीछे ले जाना पड़ेगा, सारा एक साइड नहीं कर पाऊंगी। हाँ उधर का उधर ले जाना, इधर का इधर ले जाना। पाइप लगाऊं क्या? हाँ देखती हूँ देखती हूँ। डाकू हसीना लग रही हो। कौन होती है डाकू हसीना? डाकू हसीना हसीना बोल रहा है, ये नहीं कि मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प कर दे, कुछ काम वाम कर दे, समेटा समेटी कर दे। अकेली लगी पड़ी हूँ सुबह से मैं। हाँ, अकेले लगे पड़े हो, सिर्फ खाना चाहिए तो ऊपर आ रहा है, पानी चाहिए तो ऊपर आ रहा है। और यहाँ देखो भाई सब क्या लगे हैं भाई, ओह अच्छी भली कार को तोड़ ताड़ के और उसके पता नहीं क्या वायरिंग को किए जा रहा है। कर क्या रहा है भाई तू? चुप रहो, ये बहुत कंसंट्रेशन का काम है। कंसंट्रेशन पता भी है कंसंट्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है? कंसंट्रेशन
तो आज सुबह से इतनी हालत खराब हो चुकी है ना, अभी भी दोपहर के 3:30 हो गए, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने खाना खाया है, पूरे घर में डस्ट फैल रही है। आज हो रही है घर में डीप क्लीनिंग, जो हम लोगों ने कंपनी से लोगों को बुलाया वही कर रहे हैं, बिकॉज हमारे बस का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जिनसे हम लोग किचन बनवा रहे हैं ना, वो उन्हीं के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री था कि वो घर की डीप क्लीनिंग देंगे, जो मतलब काफ़ी काम आ गया यार इस टाइम पे। अदरवाइज सारी डीप क्लीनिंग करना बनने के बाद, कारपेंटर वर्क सब होने के बाद, फिर वो सारा क्लीनिंग करना, सब मेस करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और घर पे तो पिछले 1 महीने से मैंने लास्ट 9 अक्टूबर को अपना किचन खाली किया था बनने के लिए, और आज 9 नवंबर हो गई है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया हम लोग घर में रोज डस्ट धूल, कभी डिमोलिशन हो रहा है, कभी टाइल कट रही है, कभी जो कारपेंटर वर्क हो रहा है। मॉड्यूल मेरे सारे कंपनी से थे, बट जो उनको थोड़ा सा फिटिंग विटिंग करने के लिए साइट में जो करना होता था थोड़ा बहुत, वो कटिंग वर्क वो सब धूल मिट्टी सब उड़ना, मतलब हालत ख़राब थी बिल्कुल ही लिटरली 1 महीने से। फाइनली अब किचन बन के तैयार हो चुका है, बट आज क्या हो रहा है, उस किचन की कंपनी वाले दे रहे हैं डीप क्लीनिंग, मतलब किचन को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँ उससे पहले। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट अपना गैस स्टोव वहाँ पे 2-3 दिन पहले ले आई थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा अब 2-3 दिन तो बचे हैं, तो क्या 2-3 दिन के लिए मैं फिर सिलेंडर भरवाऊँ, तो मैं गैस स्टोव नीचे लेकर आ गई थी। तो दोपहर से लेकर शाम तक वो लोग जब काम करते रहते थे, उसके बाद मैं शाम को अपना क्लीनिंग करके खाना वाना बना लेती थी, और दोपहर का खाना मैं सुबह और सुबह ही बना लेती थी, मतलब मैं सुबह का खाना और दोपहर का खाना। और बस यही चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से हालत ख़राब है, क्योंकि किचन ऑलमोस्ट बन भी गया था, कुछ कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी थोड़ी रह गई थी, तो मैं पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं कर पा रही थी, बट आज मैं शिफ्ट कर लूँगी रात तक होपफुली। तो बस अभी चल रही है किचन की डीप क्लीनिंग और पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो रही है, उसके बाद शाम तक ही मैं फ्री हो पाऊँगी। तो मैं और चीनू अभी फ़िलहाल बैठे हैं इस रूम में, क्योंकि ये लोग केमिकल वगैरह से साफ़ कर रहे हैं, तो एकदम सर पे चढ़ रही है। और इसीलिए मैं ना काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी, डाल क्या मतलब मैं बना ही नहीं रही थी, बनाती भी क्या बनाती घर पे, कभी डिमोलिशन हो रहा है, कभी डिमोलिशन हो रहा है, कभी टाइल कटिंग के लिए आ रहे हैं, कभी प्लास्टर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो घर पे आवाज़ें ठक ठक ठुक ठक मतलब चल ही रहा था। फिर उनसे डेली बेसिस पे फॉलो अप करना, कोऑर्डिनेशन करना, कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें होकर ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो रहा था, तो मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, अपने लिए नहीं मिल रहा था, तो मैं ब्लॉग क्या ही शूट करती। सो बस फाइनली 1 महीने की पेन के बाद अब कहीं जाके मुझे एक आध दिन में रिलीफ मिलेगा, और कल धनतेरस है, बट लास्ट ईयर की तरह शायद इस बार भी हमारी दिवाली नहीं है, तो ठीक है दिवाली नहीं है तो नहीं है, देखेंगे क्या करते हैं, मम्मी के यहाँ जाते हैं क्या करते हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। तुमने और खराब कर दिया बेवकूफ। मैं ठीक कर दी, देखो किचन मैकेनिज्म एकदम सही, आगे का मैकेनिज्म एकदम सही गाइस। चल थोड़ा सा मैं अब देख लेती हूँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग करना तो ज़रूरी है, मतलब देखना तो पड़ता है, वो लोग अपना काम तो कर रहे हैं प्रोफेशनली, बट फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। स्टे विद मी।